रिकॉर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। हाँ तो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं इसे सॉल्यूशन बताती हूँ। इसमें कुछ कुछ प्री रिक्विजिट है जो मैं पहले ही बता देती हूँ। जैसे कि आपको कुछ कुछ एक्सपेंशन आने चाहिए। बेसिकली ये सीरीज के लिए हमें इवेल्युएशन पूछा जा रहा है फॉर दिस, तो इसके लिए मैं कुछ कुछ बता देती हूँ। जैसे कि e का पावर x, जिसका होता है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ ओवर फैक्टोरियल 3 एंड डॉट डॉट डॉट। और भी एक दो है जो मैं लिख ही देती हूँ क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे। सो इसका होता है नाउ आपको डिसाइड करना है कि आप किसको यूज करना चाहते हो। ठीक है, सो आप पहले 1 मिनट का टाइम लो एंड इसे सॉल्व कर लो एंड देन मैं फिर सॉल्व करती हूँ। सो हमें सबसे पहले दिख रहा है n² - n+1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले n को कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, ताकि n से ये n एक तो कट जाए तो फैक्टोरियल कम हो जाए, जिससे हमें आगे बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n करेंगे और प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल n करेंगे। ठीक है, अब हम समेशन को इक्विवेलेंटली डिवाइड दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहां से आप n इंटू एन माइनस वन काटोगे तो ये क्या आएगी, फैक्टोरियल n माइनस टू। और सीरीज जो है ये आपकी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 2 से, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 आप जैसे ही डालोगे ये निगेटिव फैक्टोरियल देगी विच इज नॉट वैलिड। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे इसको, प्लस इसको जैसे ही समेशन हम करेंगे n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी 1 ओवर फैक्टोरियल n। ठीक है, अब बारी आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब आप ध्यान से अगर इसको देखो तो ये क्या है, अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल विच इज 1, प्लस 3 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1, प्लस 4 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 2, प्लस डॉट 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 ये चलती जाएगी। प्लस इधर अगर आप पुट करोगे तो देखोगे 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3 और ये कुछ इस टाइप से चलती जाएगी। लेकिन अगर आप e देखोगे तो ex की हमें पता है, तो क्या e की नहीं पता होगी, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये क्या आएगी, 1 + 1 + 1 ओवर 2 + 1 ओवर 3 और ये चलती जाएगी। तो इससे अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों को तो आप ध्यान से देखोगे कि ये और ये तो सेम है, मतलब इसके जगह पे मैं तो डायरेक्ट ई लिख सकती हूँ। क्या मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ, लेकिन इसकी जगह मैं नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और 1 की जरूरत है। लेकिन अगर मैं इसमें +1 कर दूं और फिर -1 कर दूं तो मैं लिख पाऊंगी इस पूरे को ई। तो सेम काम हम करेंगे ई और -1, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2e-1। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इवेल, मतलब आपको उसे बहुत ही मैनिपुलेट करना पड़ता है क्वेश्चंस को, तो इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। सो ये सेकंड क्वेश्चन है, सो लेट्स ट्राई दिस। अब आप ट्राई करो एंड देन मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। If you get the answer, please let me know.
सबसे पहला जो चीज आ रहा है, आप इन दोनों को देखो, कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप एक भी पैटर्न ढूंढ लेते हो तो आपकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाती है उस केस में। तो सबसे पहला जो पैटर्न आप देख सकते हो कि टू और थ्री के बीच में डिफरेंस कितना है, वन। फोर और फाइव के बीच में डिफरेंस कितना है, वन। सिक्स और सेवन के बीच में डिफरेंस कितना है, वन। इसके आने वाले में भी हर जगह वन होगा। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ, वन हमारे पास ऊपर में है, तो उसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि थ्री माइनस टू अपॉन टू इंटू थ्री, फिर से फाइव माइनस फोर अपॉन फोर इंटू फाइव, उसी तरीके से सेवन माइनस सिक्स अपॉन सिक्स इंटू सेवन, और ये चलता जाएगा। तो अब आप जैसे ही इसको देखोगे तो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, फिर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वन बाय फोर माइनस वन अपॉन फाइव, फिर से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वन बाय सेवन, सेवन कट जाएगा तो वन बाय सिक्स माइनस वन बाय सेवन, और ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो मैं सारे अगर ब्रेसेस को हटा देती हूँ तो आपकी सीरीज कुछ इस टाइप की आ गई है। ठीक है, हाँ, अब आप ध्यान से इस सीरीज को देखोगे तो ये भी किसी ना किसी की होती है। मैं इससे पहले भी आपको एक एक्सपेंशन बताई थी, वो किसकी थी, लॉग की, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल नहीं है ना, तो इसलिए यूज नहीं कर सकते हम लोग ई। जहां पे भी आपको नीचे टू थ्री फोर फाइव कुछ ऐसी चीजें दिखे तो आप तुरंत समझ जाना कि ये आपकी लॉग, यहाँ पे लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते, तब आप लॉग के लिए चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर और माइनस डॉट डॉट। तो अब आप जैसे ही लॉग की वैल्यू क्या पुट करोगे, सपोज करो मैंने वन पुट कर दिया, ठीक है, वन पुट करने से क्या आएगा, वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या, अगर आप माइनस सिर्फ कॉमन ले लो, सिर्फ मैं माइनस अगर कॉमन कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगी, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाय फाइव, और ये चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, हमारे पास वन नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम वन ऐड करेंगे यहाँ पे हमें प्लस वन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन घुसाए हम लोग, तो यहाँ पे वन बाहर आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगी, वन माइनस, ये किसकी एक्सपेंशन है, यहाँ पे आप देखो लॉग ऑफ टू की। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग टू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगी आपकी, वन माइनस लॉग टू। प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी क्वेश्चन है, आप इसे पहले ट्राई करो। कुछ नहीं है आपको, सम ऑफ द इनफिनाइट सीरीज ही फाइंड करना है। यहाँ पे टू इंटू थ्री इंटू फोर, फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, सिक्स इंटू सेवन इंटू एट, नीचे कुछ इस टाइप के ट्रिपलेट्स चल रही है। अब आप फाइंड करो इसकी आंसर क्या होगी। मैं फिर से आपको हिंट के रूप में यहाँ पे सीरीज लिख देती हूँ ताकि आप बार बार देखो तो आपको याद भी रहे। मैं जिस दिखाना चाह रही हूँ कि सिंपल एक सीरीज से कितनी सारी प्रॉब्लम्स और कितने तरह के मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। लेट स्टार्ट, आपको सबसे पहले क्या आ रहा है माइंड में वो आप बता सकते हो, अदरवाइज मैं सॉल्व करूंगी। सो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले कोई पैटर्न ढूंढना होगा। अगर आप पैटर्न देखोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में वन वन का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में टू का डिफरेंस है। यहाँ पे भी वही है, टू है, क्योंकि ट्रिपलेट्स है तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, पर जैसे ही अगर हम लोग इसको डबलेट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा, क्योंकि डबलेट की जो क्वेश्चन है ये अभी हमने इनसे पहले ही जस्ट सॉल्व की थी। सो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टू का डिफरेंस दिख रहा है तो हम लोग वही काम करेंगे, फोर माइनस टू वन बाय टू पहले ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी टू आएगा, वन बाय टू जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे टू 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 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, ताकि अगर जब हम इसे डिवाइड करें तो एक बार 4 कट जाए एक बार 2 कट जाए, तो हमारे पास छोटे छोटे टर्म्स बच जाएंगे। तो बेसिक रीजन यही है हमारा करने का, 6 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे 1 बाई 2 को रहने देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 क्योंकि 4 कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4। फिर प्लस आप देखोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 5 इंटू 6, और ये चलता जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप देखोगे तो ये फिर से सेम क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है जो हमने पिछले वाला किया था, जस्ट 1 बाई 2 बाहर रहेगा। फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। फिर हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, फिर प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये तो ठीक है आ गई, बट ये दो बार आई है, ये भी दो बार आई है, ये भी दो बार आई है, तो सारे टर्म्स दो दो बार आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ को या फिर हाफ को ऐड नहीं करके मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे हाफ रहने देती हूँ, मुझे जरूरत क्या पड़ेगी अगर मैं लॉग 2 कंसिडर करूंगी, तो मुझे जरूरत क्या पड़ेगी 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 और इस तरीके से। तो हाफ को रहने देते हैं 1 बाई 2 माइनस, एक 1 बाई 3 की मुझे जरूरत है मैं 1 बाई 3 लिख लेती हूँ, प्लस 1 बाई 4 की मुझे एक जरूरत है मैं 1 बाई 4 एक को ले लेती हूँ। अभी सारे मैंने एक एक ले लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि जो बचे हुए टर्म्स है सबको मैं इधर लिख दे रही हूँ। तो बचे हुए क्या है, माइनस 1 बाई 3 एक बचे हैं हमारे पास, प्लस 1 बाई 4 एक बचे हैं, माइनस 1 बाई 5 बचे, प्लस 1 बाई 6 बचे और सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे माइनस निकालने पड़ेंगे बाहर इसमें सेट करने के लिए, तो माइनस निकाल देती हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे सब साइन चेंज हो जाएगा और ये काम करेगा हमारा। तो जैसे ही ये चेंज होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लॉग 2, ठीक है। इतने की टर्म्स क्या आएगी, इतनी सारी जो टर्म्स हैं यहाँ पे 1 प्लस को छोड़ दूं तो 1 को इधर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी, लॉग 2 माइनस 1, उसी को मैंने यहाँ यूज किया है। सो 1 माइनस लॉग 2 इसलिए आ रहा है हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक माइनस कंसिडर किया है उसके वजह से, ठीक है। तो 1 माइनस लॉग 2 जाएगा, बेसिकली इसको आना चाहिए था लॉग 2 माइनस 1 टाइम्स माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, उसी अकॉर्डिंग ये 1 माइनस लॉग 2 आया है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 वो सब तो है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास माइनस लॉग 2 आएगा। अब यहाँ पे घट क्या रहा है, यहाँ पे 1 माइनस हाफ यही घट रहा है ना, अगर ये एड ऑन हो जाता तो हमारा काम हो जाता, माइनस निकालने के बाद मैं बात कर रही हूँ, तो ये हाफ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हाफ माइनस लॉग 2, ठीक है। और यहाँ पे पहले से क्या है, हाफ बाहर है, तो हाफ को बाहर रखते हैं और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 1 3 ओवर 2 माइनस 2 लॉग 2। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 3 बाय 4 माइनस लॉग 2, यही आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया कि इन दोनों में डिफरेंस हमने नोटिस किया कि ये 2 2 है, तो इस वजह से 4 माइनस 2 6 माइनस 4, इन दोनों का लास्ट वाला लिया ताकि एक बार में ये कैंसिल हो जाए एक बार में ये कैंसिल हो जाए। जैसे ही हमने डिवाइड किया ये आ गया 2 इंटू 3, ये आ गया 3 इंटू 4, ये आ गया 1 4 बाई 5 और ऐसे आते गया। इसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 3 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 3, तो वही काम किया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये डबल डबल आ रहा था, तो डबल डबल आने की वजह से मैंने क्या किया कि 1 बाई 2 3 जो हमें जरूरत था उसको हमने एक साथ रखा, बाकी को अलग कर दिया। तो यहाँ तो हमारा क्लियर पैटर्न लॉग 2 का आ रहा था, तो 1 माइनस लॉग 2 हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 1 हमें करना पड़ेगा ताकि ये सेट हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे हमें 1 और हाफ दोनों को यूज करना पड़ेगा, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2 आया, जिसकी वजह से हाफ माइनस लॉग 2 आ गया। 1 बाई 2 हमारा पहले से बाहर में है, तो 1 बाई 2 को बाहर रखा हमने और बाकी दोनों को ऐड कर दिया, तो लॉग 2 लॉग 2 लॉग 2 हो गया और ये 3 बाई 2 हो गया। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 3 बाई 4 माइनस लॉग 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करो पहले। आई एम गिविंग जस्ट 1 मिनट।
इनफैक्ट इसमें काफी अच्छे मैनिपुलेशंस लगेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो सारे ही क्वेश्चंस एनबीएचएम के हैं, सारे क्वेश्चंस एनबीएचएम के हैं. सो आई एम जस्ट शोइंग कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज हो तो. e टू दी पावर x की और e टू दी पावर माइनस x दोनों ही मैं लिख देती हूँ, जो जरूरत पड़ेंगे हमें हम वो यूज कर लेंगे. सिंपली x की जगह माइनस x लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है. सो ये मे भी हमें कुछ भी यूज कर सकते हैं. लॉग की तो मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुकी हूँ. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन. हमारे पास क्या है आप ध्यान से देखो तो ये 5n+1 है और ये 2n+1 है. इसे हम किसी भी हालत में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर हम इसको हटा देते हैं और सिर्फ फैक्टोरियल में लाते हैं तो फिर भी हम कुछ मैनिपुलेशंस कर पाते, पर ये ऊपर में रह के हमें थोड़ा परेशान कर सकता है. तो ये परेशान नहीं करे उसके लिए मैं क्या करूंगी कि इसको इसे डिवाइड करने की कोशिश करूंगी. पर यहाँ पे हमें ऑड है तो यहाँ हमें इवन चाहिए इसे डिवाइड होने के लिए, 2n+1 टाइप सेट होने के लिए. तो इसलिए मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी. जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ये क्या बन जाएगा, 10n+2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2n+1. अब जैसे ही 5 यहां से अगर मैं कॉमन निकालती हूँ, या फिर एक काम करती हूँ यहाँ पे +3 और -3 कर देती हूँ ताकि 5 कॉमन निकालने में मुझे आसानी हो जाए इन दोनों से, और फिर 2n+1 बन जाए. तो इस वजह से जैसे ही मैं 5 कॉमन निकालूंगी तो आप देखना ये 1/2 को रहने दो. समेशन n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 और -3 बच जाएगा और डिवाइड में बच जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल 2n+1, ठीक है. अब 1/2 समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 समेशन 2n+1 से 2n+1 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 1/2n फैक्टोरियल, n इज रनिंग फ्रॉम अगेन 0 टू इन्फिनिटी, -3 बचेंगे और यहाँ पे क्या बचेंगे n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1/2n+1, ठीक है. ये तो ये काफी इजी हो गया है. अब आप इसके आंसर ट्राई करो, इजीली बन जाएंगे. आप पॉज करके पहले ट्राई कर लो एंड देन फिर आप कंटिन्यू करना. सो n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1/2n -3/2 समेशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1/2n+1. सो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट अगर आप तोड़ोगे तो आप इसे देखोगे, मैं साइड पे लिखती हूँ, n इक्वल्स टू 0 है तो 1 प्लस, जैसे ही आप n इक्वल्स टू 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 एंड डॉट 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 कुछ इस टाइप का आएगा. इसे मैं एक साथ रखती हूँ, काम आएगा अभी हमें उसी तरीके. सॉरी x-x2, हाँ ठीक है 1+ होना चाहिए यहाँ पे, मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा. यहाँ पे 1+x+x2+x^4 इस तरीके से आएगा और e^-x में क्या हो जाएगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, ये -x हो जाएगा, ये +x² रहेगा, ये +x^4 रहेगा, ऑल्टरनेटिंग हो जाएगी, ठीक है. और ये e^x में सारे ही प्लस रहेंगे. अब आप ध्यान से देखो इसको हमें क्या चाहिए, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 सारे 2 के टर्म्स में हैं, बट हमारे e में क्या होते हैं, फैक्टोरियल 1 भी हुआ करते हैं, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 सारे होते हैं. लेकिन अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे कि अगर मैं सपोज कि इन दोनों को ऐड कर देती हूँ e^x और e^-x को तो क्या आ जाएंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास
फिर एक्स और एक्स कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये टू बचा, ये टू एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू बचेगा, ये टू एक्स टू द पावर फोर बाय फैक्टोरियल फोर बचेगा, और कुछ इस टाइप से बचेगा। तो जैसे ही मैं टू हटा दूंगी तो यहाँ क्या बचेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू द पावर फोर बाय फैक्टोरियल फोर और डॉट डॉट डॉट। अब x की वैल्यू अगर मैं वन लेती हूँ तो आप ध्यान से देखो क्या बचेंगे, x की वैल्यू मैंने वन लिया है तो वन प्लस वन ओवर फैक्टोरियल टू प्लस वन ओवर फैक्टोरियल फोर और डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको और इसको ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी ये वन तो मैंने यहाँ पे, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, e टू द पावर वन प्लस e टू द पावर माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई टू। टू क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसकी चाहिए ना, तो ये टू को अल्टीमेटली मैं इसके ऊपर इसके नीचे डिवाइड कर दूंगी। तो इस सीरीज की तो वैल्यू हमें पता चल गई कि ये क्या हो जाएगी, फाइव बाई टू ई माइनस ई डिवाइडेड बाई, ये ई इनवर्स है बेसिकली एंड डिवाइडेड बाई टू। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है थ्री बाई टू की, यहाँ पे क्या फैक्टोरियल टू वन प्लस वन है, मतलब क्या अब हमें इवन वाले नहीं चाहिए, ऑड वाले चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ माइनस अगर लगा देंगे, इफ यू कैन नोटिस, अगर हम सिंपली माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, वन माइनस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स हो जाएगी यानी कि टू एक्स हो जाएगी, मैं यहाँ लिखती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, टू एक्स प्लस टू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप देखो कि ये सेम इसी तरह की है, सिर्फ हमें टू हटा के यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, सो इट विल बी ई माइनस ई इनवर्स डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई माइनस ई इनवर्स डिवाइडेड बाई टू। अब क्या बचा, अब तो सिंपली सॉल्विंग बची है हमारे पास, सो ई अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगी, फाइव बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर, और अगर ई इनवर्स लेती हूँ तो क्या आएगी, फाइव बाय फोर यहाँ पे और माइनस थ्री बाय टू आई है, यहाँ पे ई इनवर्स लूंगी तो प्लस आ जाएगी, सो इट विल बी माइनस प्लस थ्री बाय फोर। सॉरी आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, एनीवे ठीक है, कैलकुलेशन जस्ट देखना होगा, सो इट्स क्लियरली टू ई अपॉन फोर, फाइव बाई टू और भी e प्लस e माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, सॉरी इज दिस e प्लस, ओके इज दिस e प्लस राइट, नाउ इट्स फाइन, सो या फाइव बाई फोर विल बी प्लस एंड थ्री बाई फोर इज ऑल्सो प्लस, या सो नाउ इट्स करेक्ट, सो इट विल बी एट अपॉन फोर ई बिकॉज ई इनवर्स इज ई, सो दिस इज ई अपॉन टू प्लस टू ओवर ई इज द आंसर, फाइन ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, सो वी हैव टू फाइंड द इनफिनाइट सीरीज ऑफ वन बाय फाइव, वन बाय थ्री into 1 by 5 cube plus 1 by 5 times 1 by 5 to the power 5 and so on. जब भी आपको इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस दिखे ना, तो आप सबसे पहले क्या करना कि देख लेना कि नीचे फैक्टोरियल चल रहा है या फिर प्लेन सीरीज चल रही है, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेन सीरीज चल रही है, और पिछले क्वेश्चंस की तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे जैसे वन इंटू वन है, फिर थ्री है फाइव है, मतलब टू गायब है फोर गायब है, इस टाइप की चल रही है, तो सेम काम हम यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे ही इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, जैसे ही मैं सब्सट्रैक्ट करूंगी, जैसे कि लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स, जैसे ही मैं सब्सट्रैक्ट की, मुझे क्या मिला,
x से x एड ऑन हो जाएंगे, मतलब टू टाइम्स ऑफ क्या मिलेंगे, x मिलेंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, फिर प्लस में मिलेंगे मुझे x क्यूब अपॉन 3, फिर मिलेंगे x टू द पावर 5 ओवर 5 एंड डॉट डॉट डॉट। सो इसको हमारे ऐसे मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज कि मैंने x इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखो कि 2 को तो छोड़ दो, लेकिन बाकी चीज देखो, आपको 3 मिल गई, 5 मिल गई, 1 मिल गई, सिर्फ क्या नहीं मिली, 1/5। तो ये तो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसी की सीरीज बढ़ रही है। तो x की वैल्यू क्या करेंगे हम, 1/5 पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 1/5 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 + 1/5 माइनस लॉग 1 - 1/5, और ये इक्वल्स में क्या आ जाएगी, 2 × 1/5 + 1/3 × 1/5 cube + 1/5 × 1/5 to the power 5, और ये चलती जाएगी। हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो बाकी सबको हम क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो अब यहाँ पे मैं अगर क्लियरली लिखूं तो 1/5 + 1/3 × 1/5 cube + 1/5 × 1/5 to the power 5 एंड सो ऑन, ये जो चलेगी ये क्या हो जाएगी हमारी, log of 5 + 1 = 6/5 minus log of 5 - 1 = 4/5 and whole divided by 2. So 1/2 होगी। अब log a minus log b जो होती है वो क्या होती है, log of a by b, so it's 6/5 divided by 4/5, so 5 से 5 cancel out, 2, 3, so it will be 1/2 log 3/2। So I hope आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर